सिरमौर जिला में NH-707 पौंटा साहिब शिलाई लाल ठांग का निर्माण लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दरअसल अवैज्ञानिक तरीके से की गई कटिंग के बाद ये हाईवे बार बार भूस्खलन के कारण बाधित हो रहा है। इसे लेकर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने NH प्रबंधन और निर्माण कार्य में जुटी कंपनी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि संबंधित इलाकों के दोनों SDM और निर्माण कार्य में जुटी कंपनियों को सख्त हिदायतें दी गई है कि सड़क की हालत को सुधारा जाए ताकि लोगों को बरसात के दौरान परेशानी न हो। मंत्री ने माना कि NH के विस्तारीकरण कार्य में अनियमितताएं बरती गई है और इसकी जाँच भी चल रही है। बातचीत हुई और हमने जो कंपनीज है नेशनल हाईवेज की कंपनीज है उनको भी इंस्ट्रक्शन दी है कि बरसात में जो है वो रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले भी भारी पहाड़ गिरने की वजह से जो है वो 2-3 दिन रास्ते बंद रहे हैं। तो ये नेशनल हाईवे के लेवल पे भी जो है लापरवाही है और जो अनियमितताएँ हैं वो बरती गई है, इनके द्वारा भी की गई है, और हमने कोशिश की है कि इन अनियमितताओं को जो है दोबारा ना हो, इसको ठीक किया जाए। कई जगह डंपिंग साइट्स आइडेंटिफाइड नहीं है, कई जगह प्राइवेट लोगों से लेकर के वो मलबा फेंक दिया है और वो नीचे नुकसान कर रहा है। इस तरह की अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न घटनाएं हो रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी हमें शिकायत आ रही है हम उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्वालिटी ऑफ दिस रोड भी एक उस पर भी प्रश्न चिन्ह है अभी, क्योंकि बरसात में प्रायोरिटी तो अभी रोड खोलने की, मगर इसके बाद जो है मैं जो इंटरनेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का RO है हु इज़ हेडिंग हिमाचल प्रदेश, उनकी मैं मीटिंग बुला करके इस रोड की क्वालिटी जो है इसकी क्वालिटी हो और टाइमली रोड की कंप्लीशन हो, क्योंकि दो कंपनीज ने काम पूरा कर दिया है मगर जो नंबर टू फेज़ टू और फेज़ थ्री वाले हैं उनका वर्क जो है स्लो है और अपने समय से पीछे चला हुआ उनका काम है और उसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने पूरे इसमें इंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को हमने दी हुई है। आपको बता दें कि शुरू से ही NH-707 का विस्तारीकरण कार्य विवादों में रहा है और इसके विस्तारीकरण कार्य को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। शिकायतों के बाद मामले को लेकर NGT ने भी कड़ा रुख लिया है और जांच जारी है। इस NH विस्तारीकरण कार्य पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।